शुक्रवार को ज्वाली में भूकंप आया जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शहीद सुरेंद्र सिंह आईटीए ज्वाली के बच्चों ने भागकर खुले मैदान में पहुंचकर अपनी जान बचाई, जबकि कई बच्चे भवन के अंदर ही फंस गए। बच्चों के अभिभावक भी आईटीआई में पहुंच गए। सूचना मिलते ही एसडीएम ज्वाली, पुलिस टीम, डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची तथा एसडीआरएफ सहित एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बच्चों को बाहर निकालने का रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सिविल अस्पताल ज्वाली में इलाज हेतु भेजा गया। घबराने की जरूरत नहीं, ये सचमुच का भूकंप नहीं था, ये प्रशासन की आपदा प्रबंधन को लेकर की गई मॉक ड्रिल थी, ताकि अगर सचमुच भूकंप जैसी आपदा आ जाए तो उससे कैसे निपटें। एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस मॉक ड्रिल माध्यम से आईटीआई के छात्रों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भूकंप, आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय जान माल का नुकसान कम हो। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हर आमजन को जरूरी जानकारी होना आवश्यक है, इसीलिए ऐसी मॉक ड्रिल करवाई जाती है। धन्यवाद करना चाहूँगा 14 एनडीआरएफ का, जिसमें ये टीम कमांडर अनिल कुमार डंडे और सारे इनके टीम मेंबर्स प्लस एसडीआरएफ, हमारे सारे डिपार्टमेंट जिसमें कि बिजली विभाग, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, सबका जो था वो अहम रोल था। ये हमने जो आईटीआई संस्थान है हमारा ज्वाली का, इसमें हमने ये ऑर्गेनाइज करवाई थी। हमने अनुरोध किया था कि एक मॉक ड्रिल जो है डिजास्टर की एक ये रिक्वेस्ट डीएमए की तरफ से और उपायुक्त महोदय की तरफ से दी गई थी, जिसमें कि हमें लोगों को, बच्चों को यहाँ के जागरूक करना था। यहाँ पे हमने इवैक्यूएशन ड्रिल, यहाँ पे सबसे पहले हमने मॉक ड्रिल ऐसे की कि इसमें भूकंप का हमने एक परिस्थिति क्रिएट की, सिनेरियो क्रिएट किया, और पैरेलली ही हमने ज्वाली बाजार में जो है वो एक फायर एक्सिक्यूशन की, फायर की एक्सरसाइज की, जिसमें कि ज्वाली जो आईटीआई संस्थान है इसमें करीब 21 बच्चे हमने ट्रैप किए। इसमें तरह तरह से किस तरह से इवैक्यूएशन ड्रिल है यहाँ पे बच्चों को एनडीआरएफ ने सिखाई, एनडीआरएफ की टीम ने सिखाई। पैरेलली ही जैसे अगर सपोज ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो किस तरह से हमारी परिस्थितियाँ हैं, किस तरह से हमें कौन कौन डिपार्टमेंट कैसे कैसे एक्शन लेगा, वो हमने सारा स्थितियों का जायजा किया। जहाँ पे गैप्स हैं वो हमने नोट कर लिए हैं, और हम अनुरोध करेंगे एनडीआरएफ से भी कि वो लगातार ऐसे मौके उसे हमारे ज़िले में करते रहें। बाकी इन्होंने यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स थे, सारे बच्चों को आग कैसे बुझानी है, किस तरह से इवैक्यूएशन करना है, क्या क्या उनको अगर ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो किस तरह से अपने जान माल का नुकसान ना हो, बच्चों को इस बारे में सिखाया। बाकी इन्होंने जो इक्विपमेंट्स है इसकी एग्जीबिशन लगाया है, बच्चों को इसके बारे में इन्होंने बिल्कुल पूरी जानकारी दी और किस तरह से क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है, कैसे करना है, वो भी सिखाया। महंगाई की मार पर अब होगा वार, पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141।